आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पावर रूल का प्रूव करेंगे यानी x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है इसको प्रूव करेंगे तो आगे जाके जब हम हमारे पास कोई ऐसा टर्म आ जाएगा x की पावर n, तो इसका डेरिवेटिव किसके बराबर होगा n x की पावर n माइनस वाएन का वन यानी पावर को नीचे लाओ और इसमें से एक डिक्रीज करो तो आज हम इसी चीज को प्रूव करेंगे कि वाकई में जो x की पावर n होता है उसका डेरिवेटिव ये वाला होता है बाय डेफिनेशन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल आज इसको प्रूव करेंगे तो स्टेप्स वही है फर्स्ट प्रिंसिपल के सबसे पहले आपने लेट करना है लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर n फिर आपके पास फर्स्ट स्टेप है फर्स्ट स्टेप क्या करना है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में इंक्रीमेंट करना है वाई के साथ डेल वाई का इंक्रीमेंट करना है और एक्स के साथ डेल एक्स का इंक्रीमेंट करना है तो फर्स्ट स्टेप आपका वाई प्लस का डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस का डेल एक्स होल की पावर एन अब यहां पे ख्याल रखना एक्स के साथ अपने डेल एक्स का इंक्रीमेंट करना है एक्स की पावर एन के साथ डेल एक्स का इंक्रीमेंट नहीं करना है यहां पे कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि एक्स की पावर एन है और इसके साथ इस तरीके से डेल एक्स को इंक्रीमेंट करते हैं तो ये गलत है तो पहला स्टेप आपने कंप्लीट किया अब सेकेंड स्टेप आपका क्या होता है वाई को आपने शिफ्ट करना है डेल वाई को फाइंड आउट करना है तो डेल वाई दरी रहेगा एक्स प्लस का डेल एक्स ओल्ड की पावर एन माइनस का वाई बन जाएगा और इसी स्टेप में आपने वाई की वैल्यू भी पुट करना है एक्स प्लस का डेल एक्स ओल्ड की पावर एन माइनस का वाई किसके बराबर है एक्स की पावर एन के बराबर अब आपने इस स्टेप को उस वक्त तक कंटिन्यू रखना है जब तक डायलैक्स आपके पास कामा ना निकल जाए तो अब थोड़ा सा कंप्लेक्स नजर आ रहा है क्योंकि यहां से हम डायलेक्स को कामा नहीं ले सकते क्योंकि एक्स प्लस का डायलैक्स है और ओल की पावर एन है अगर कोई एक दो पावर का होता तो हम उस पर फार्मूला अप्लाई करते थे लेकिन यहां पे पावर एन है बहुत बड़ा पावर है इसको एक्सपेंड करने के लिए हम यूज करते हैं बायनोमेल थ्यूरम का तो देखेंगे कि बायनोमेल थ्यूरम इस पर कैसे अप्लाई होता है देखो यहाँ पर आपके पास दो टर्म्स हैं ये आपका फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है तो बाइनिमल थ्योरम को किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं जो आपके पास पहला टर्म है उसको कंप्लीट पावर देना है यानी पावर टोटल एन है तो पहले एक्स की पावर जो पहला टर्म है उसको कंप्लीट पावर देना है और जो आपके पास दूसरा टर्म है डेल एक्स इसकी पावर को जीरो से स्टार्ट करना है और आगे ले जाना है एन तक और पहले टर्म की जो पावर है उसको डिक्रीज करना है जीरो तक तो इस चीज को कंटिन्यू रखना है इसी को कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम या इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन भी कहते हैं तो इसको एक्सपेंड करेंगे अभी अब देखो x प्लस का डेल एक्स की पावर एन है तो x मैंने कहा टोटल पावर इसको देना है तो x की पावर एन बन जाएगा यहां पे आपके पास दूसरा टर्म क्या है डेल एक्स है डेल एक्स की पावर को जीरो से स्टार्ट करना है और जो डेल एक्स दूसरे टर्म का जो पावर होगा उसी की ए, उसी की पावर से फैक्टोरियल से इसको डिवाइड भी करना यहां पर डेल एक्स की पावर जीरो था तो जीरो की से इसको डिवाइड किया फिर सेकेंड स्टेप में क्या करना है जो एक्स की पावर एन है पावर को नीचे लेना है एक्स की पावर में से एक माइनस करना है और डेल एक्स की पावर में एक ऐड करना है जीरो था क्या बन जाएगा वन बन जाएगा और जो डेल एक्स की पावर आ जाता है उसी से इसको डिवाइड भी करना है। फिर प्लस का एन पहले से हमने नीचे उतारा था अब एन माइनस वन को भी नीचे उतारो और एक्स की पावर में से एक माइनस करो और डेल एक्स की पावर में एक ऐड करो पहले वन था टू बन गया और जो डेल एक्स का पावर है उसी से इसको डिवाइड करो फिर इसको इसी तरह कंटिन्यू रखना है फिर जो आपके पास लास्ट टर्म आ जाएगा उसमें आपके पास जो एक्स है उसकी पावर ज़ीरो बन जाएगी तो किसी भी नंबर का पावर जीरो किसी भी टर्म का पावर जीरो वो टोटल वन के बराबर होता है इसी वजह से उसको लिखते नहीं और जो आपके पास डेल एक्स है इसका पावर एन तक चला जाएगा तो आपके पास यहाँ पर डेल एक्स आएगा उसकी पावर एन आ जाएगा और यहाँ पर जो हम पावर नीचे उतारते हैं ये कंप्लीट एन की फैक्टोरियल के बराबर हो जाते हैं क्योंकि डेल एक्स की पावर एन है इसको एन की फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे जस्ट आपके पास डेल एक्स की पावर एन बचेगी तो ये हो गया इसका एक्सपेंशन इसको हमने कंप्लीट एक्सपेंड किया ये इसका एक्सपेंशन है और यहां पर आपके पास माइनस है और फिर एक्स की पावर एन अब जीरो का फैक्टोरियल वन के बराबर होता है इसको लिखते ही नहीं है और डेल एक्स की पावर जीरो है ये भी वन के बराबर हो जाएगा तो ये क्या बचा आपके पास एक्सपावर एन ये प्लस का एक्स की पावर एन है और ये माइनस का एक्स की पावर एन है ये दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगे। ये दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगे। अब मैंने कहा स्टेप को उस वक्त तक कंटिन्यू रखना है आपने जब तक आप डेलेक्स को कामन ना लो तो अब इसी चीज को करेंगे ये आपके पास डेल वाई है देखो यहां पर जितने भी टर्म्स है हमारे पास उन सब के पास डेलेक्स होता है देखो यहां पर डेल एक्स की पावर वन है यहां पर डेल एक्स का स्क्वायर हो जाएगा आगे आगे वाले टर्म में डेल एक्स की पावर थ्री हो जाएगा फिर फोर फिर फाइव इसी तरह डेल एक्स की पावर एन तक चला जाएगा तो कहने का मतलब यह है कि हर टर्म में इस वक्त डेल एक्स मौजूद है तो मैं क्या करूंगा डेल एक्स को कॉमन लूंगा डेल एक्स को कॉमन लिया अब इस टर्म को देखो एन है इसको एज इट इज लिखा एक्स की पावर एन माइनस का वन ये वन का फैक्टोरियल है वन के बराबर है इसको भी नहीं लिखते डेल एक्स को मैंने कॉमन लिया है तो यहां से डेल एक्स खत्म हो गया फिर प्लस फिर दूसरा टर्म है एन एन माइनस का वन एक्स की पावर एन माइनस का टू डेल एक्स का स्क्वायर है एक डेल एक्स कॉमन चला जाएगा एक डेल एक्स बच जाएगा इसके एक और टर्म की तरफ चले जाते हैं इसको एक और टर्म तक एक्सपेंड करते हैं यहां पर कंप्लीट कंसेप्ट नहीं आ रहे हैं तो प्लस का एन एन माइनस का वन भी नीचे उतारा एन माइनस का टू भी नीचे उतारा और एक्स की पावर एन माइनस का थ्री बन जाएगा और यहां पे डेल एक्स की पावर थ्री बन जाएगा और इसको थ्री के फैक्टोरियल से अपने डिवाइड करना है फिर प्लस का कंटिन्यू और ये लास्ट में डेल एक्स की पावर एन बचा था अब यहां पर देखिए यहां पर डेल एक्स की पावर थ्री है एक डेल एक्स आपके पास यहां पर कॉमन चला गया तो

कॉमन लिया तो जो आपका फोर स्टेप होता है वो क्या होता है थर्ड स्टेप सॉरी डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल एक्स डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई डेल एक्स तो ये आपके पास वाई है इसको डिवाइड किया डेल एक्स इज इक्वल टू ये आपके पास डेल एक्स है ये पूरा एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस का वन प्लस का एन एन माइनस का वन एक्स की पावर एन माइनस का टू डेल एक्स डिवाइडेड बाई टू का फैक्टोरियल प्लस एन एन माइनस का वन एन माइनस का टू एक्स की पावर एन माइनस का थ्री डेल एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री का फैक्टोरियल प्लस का डॉट 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 प्लस का डेल एक्स की पावर एन माइनस का वन तो इस पूरे को आपने किससे डिवाइड करना है डेल एक्स से डिवाइड करना है डेल एक्स एंड डेल एक्स आपस में कैंसल हो जाए तो जैसे ही आपने डेल एक्स को कैंसिल किया इट मीनस आपने थर्ड स्टेप को कंप्लीट किया अब फोर स्टेप की तरफ आपको जाना है तो फोर स्टेप आपका क्या होता है अप्लाइंग लिमिट एज डेल एक्स अप्रोचेज टू जीरो तो दोनों तरफ का अपने लिमिट लेना है लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू जीरो और इस पूरे का अपने लिमिट लेना है क्या आपके पास डेल एक्स डेल एक्स से कैंसिल हो गया बकाया बच गया एन एक्स की पावर एन माइनस का वन प्लस का एन एन माइनस का वन एक्स की पावर एन माइनस का टू डेल एक्स डिवाइडेड बाई टू का फैक्टोरियल प्लस एन एन माइनस का वन एन माइनस का टू एक्स की पावर एन माइनस का थ्री डेल एक्स का स्क्र डिवाइड बाई थ्री का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 कंटिन्यू डेल एक्स की पावर एन माइनस का वन अब आपने क्या करना है इस पर लिमिट अप्लाई करना है लिमिट क्या है डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो तो इस टर्म में देखें इस टर्म में आपके पास कोई भी एक्स मौजूद नहीं है तो इसपे लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होगा एन एक्स की पावर एन माइनस का वन बन जाएगा बकाए आपके पास जितने भी टर्म्स है उन सब में एक्स मौजूद है यहां पर देखें डेल एक्स और यहां पर देखिए यह डेलेक्स और यहां पर देखिए यह डेलेक्स और दरमिया में भी जितने भी आपके पास टर्म्स आएंगे उन सब में डेलेक्स मौजूद होगा तो अब देखें अगर मैं लिमिट को अप्लाई करूंगा और इस डायलैक्स की जगह पे जीरो पुट करूंगा तो ये जो पूरा टर्म है आपके पास ये क्या बन जाएगा जीरो बन जाएगा फिर यहां पर देखें यहां पर डायलैक्स की जगह पे जब मैं जीरो पुट करूंगा तो ये पूरा टर्म आपके पास क्या बन जाएगा जीरो फिर यहां पर देखिए डेल एक्स है यहां पर जब मैं जीरो पुट करूंगा तो ये पूरा टर्म आपके पास जीरो बन जाए तो फाइनल जो आपके पास रिजल्ट है वो यही बच गया लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स अब ये आपके पास किसके बराबर होता है ये आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर होता है एंड इट इज एन एक्स की पावर एन माइनस का वन सो ये प्रूव हो गया कि द डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन किसके बराबर है एन एक्स की पावर एन माइनस के वन के बराबर और इसी को हम कहते हैं पावर रूल आगे जाके जब हम शॉर्टकट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे बाय थ्योरम्स बाय रूल्स तो यह भी वहां पर एक रूल होगा जिसको हम पावर रूल के नाम से जानते हैं अब इसको आगे जाके कैसे हम अप्लाई करेंगे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक्स की पावर फाइव है और आपने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स तो अब देखो यहां पर आपके पास प्योर एक्स है इस चीज़ का भी ख्याल रखना है यहां पर आपके पास प्योर एक्स है यानी एक्स की पावर फाइव है एक्स के साथ ना कुछ एड हो रहा है ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है सिर्फ जस्ट प्योर एक्स है तो इस केस में आपने यूज़ करना है पावर रूल का पावर रूल क्या कहता है कि जो आपके पास पावर है जैसे कि पहले एक्स की पावर एन था तो एन को हमने नीचे लाया और जो एक्स का पावर था उसमें से एक सब्ट किया तो इसी चीज़ को इस पर भी अप्लाई करना है कैसे एक्स की पावर फाइव है पावर को नीचे उतारो फाइव और बकाया जो एक्स है बकाया जो पावर है उसमें से को सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास क्या बचेगा फाइव एक्स की पावर फोर तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर फाइव को आगे जाके पावर रूल के जरिए हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे तो ये आगे के क्वेश्चन है जस्ट हमने यहाँ पर एक्स की पावर एन को एन का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया बाई डेफिनेशन और हमने पावर रूल को प्रूव किया सो so, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही काफी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़